सो आज हमारे साथ हैं अनुप शुक्ला. सो अनुप शुक्ला किसी तारुफ के मोहताज नहीं. व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिकेट इन बायन, हमारे सूबे बायन के जर्मनी का सबसे बड़ा सूबा है, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर. सो अनुप, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ एकदम, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक. तो अनुप शुक्ला जो है ये मेरा बिल्कुल छोटा भाई भी है, हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, ये हमारे क्रिकेट क्लब का जो है बेस्ट प्लेयर है. और तीन तीन साल पहले से ये दो तीन साल साल दो साल से जब से ये म्यूनिख आया ये इसमें खेल रहा है. अनुप ये बताओ व्यूअर्स को कि म्यूनिख आने का इतफाक कैसे हुआ, क्यों आया आप म्यूनिख? मैं बैचलर्स करने के बाद फिर सोचा कि मास्टर्स करना था, तो मैंने रिसर्च किया एंड आई फाउंड दैट जर्मनी बहुत ही अच्छी जगह है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन यूरोप. तो आपकी एंड फील्ड क्या है, स्टडी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मैं मास्टर्स इन मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे इन म्यूनिक फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक. ओके. और इंडिया में आपकी बैचलर किस जगह से थी? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय ओके, प्रोफेशन. गुड कॉम्बिनेशन. यस. तो कहाँ से किया आपने, किस सिटी से? मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ ओके. टू बी तो स्पेसिफिक, क्रिकेट वहाँ से सीखी? सही. तो यस, मैंने क्रिकेट खेलना वहाँ से स्टार्ट किया ही फ्रॉम माई कॉलेज डेज. एंड यहाँ पे आके अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट इन टू क्रिकेट अलॉन्ग विद माई कंटिन्यूइंग माई मास्टर स्टडीज, एंड दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. अच्छा, जो यहाँ पे आए आप पहले, तो क्या मुश्किलात कोई आई इन द फर्स्ट डेज, कुछ मुश्किल फील हुआ या बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली, कैसा फील हुआ आपको फर्स्ट डेज? मुझे लैक ऑफ नॉलेज महसूस हुआ जब मैं यहाँ पे आया, क्योंकि इट वॉज डिसओरिएंटेड फॉर मी. तो नॉलेज मुझे मिलना मुश्किल हो गया था. सो गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योरेंस एंड हाउ टू रजिस्टर हियर वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. लेकिन सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग दीज डेज वी सीनियर कम्युनिटी मेंबर्स, हम चाह रहे हैं कि हम लोग जो सारे दोस्त मिलके आने वाले स्टूडेंट्स को पहले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इट विल बेनिफिट अ स्टूडेंट लॉट, क्योंकि ये हमें नहीं मिल पाया लेकिन आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है. इसी चीज़ में हम लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बार्मर के साथ मिलकर के, कैसे स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए और कम्युनिटी में नेटवर्किंग की जाए. इसी सिलसिले में वेलकम पार्टी आ रही है स्टूडेंट्स के लिए, इट्स अ वंडरफुल चांस फॉर नेटवर्किंग. ओके जी, तो हम यहाँ बैठ हम लोग वेलकम पार्टी हमारी स्पॉन्सर कर रहे हैं बार्मर, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है. तो क्यों ना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ही अनूप से बात की जाए. जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है, वो तो लेनी लेनी है. तो अनूप से पूछते हैं कि इनका हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा जर्मनी में? मैं एक ही दफ़ा इंजर्ड हुआ हूँ, जैसे शारिक ने बताया क्रिकेट खेलता हूँ तो इंजरी आते रहती है और बीमार पड़ते रहते हैं. सो बहुत ही इजी प्रोसेस है. यहाँ पे आपको कार्ड दिया जाता है एंड वो आप लेके कोई भी डॉक्टर के पास या क्लिनिक में जाते हो एंड यू जस्ट शो दैट कार्ड. वो कार्ड दिखाने के बाद आपका ट्रीटमेंट पूरा कवर होता है. ये कम से कम यहाँ रिलैक्सिंग बात है कि जब आपने कोई इंजरी हो तो आपको वॉलेट नहीं देखना पड़ता, यू जस्ट नीड योर कार्ड, राइट? आप जाएं, यू डोंट केयर अबाउट द मनी. हाँ राइट, वेरी नाइस. इजी प्रोसेस होता है एंड पीपल जो भी डॉक्टर्स है वो भी वेलकमिंग होते हैं. एंड आप सिंस आप फर्स्ट दफ़ा यहाँ पे आओगे तो आपको लैंग्वेज का इशू होगा, बट यहाँ पे म्यूनिक एक इंटरनेशनल सिटी है एंड यहाँ पे लैंग्वेज एज अ बैरियर नहीं होता है. तो इवन डॉक्टर्स आपको वेलकम करेंगे एंड इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल. सो मतलब आपको यू आर सेटिस्फाइड विद द हेल्थ इंश्योरेंस स्टफ? यस, हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज अगर आप खुद से कोई ट्रीटमेंट लेने जाओ तो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी. तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका है तो यू विल बी सेव फ्रॉम ऑल दिस कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट. तो अनूप का एक्सपीरियंस हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत अच्छा रहा, डेफिनेटली आप सब ने भी लेनी है और वी रिकमेंड बार्मर हेल्थ इंश्योरेंस. थैंक यू अनूप फॉर योर टाइम, विश यू अ वंडरफुल इवनिंग, थैंक्स, वंडरफुल स्टे हियर इन जर्मनी. थैंक्स.